नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनियाँ हमारे कॉलेजेस को विज़िट करती हैं और वहां पे वो कैंपस ड्राइव कंडक्ट करती हैं। तो जब भी कोई कैंपस ड्राइव होता है, इन कैंपस हो और ऑफ कैंपस हो, तो सिलेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर इंटरव्यू का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न के थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर कंपनी हो, एमएनसी हो या और डोमेस्टिक कंपनी हो, जैसे हम उसको बोलते हैं विदेशी कंपनी हो या देसी कंपनी हो, उनका एक इंटरव्यू लेने का और कैंडिडेट सिलेक्ट करने का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको कंपनी में नौकरी करना है, कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए, तो कंपनी का जो इंटरव्यू होता है वो कैसे होता है। आज मैं जो आपको बोलने वाला हूँ वो इंटरव्यू मोस्टली आईटी कंपनीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जो जॉब होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो जब भी हम किसी भी कंपनी के बारे में, जैसे कि मैंने बोला विदेशी कंपनी हो और देसी कंपनी हो, उसमें अगर हमें जॉब लेना है और जॉब चाहिए, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में इंटरव्यू लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट इंटरव्यू। तो कॉरपोरेट इंटरव्यू लेते समय क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या पैटर्न होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉरपोरेट इंटरव्यू कैसे होता है, कॉरपोरेट इंटरव्यू में कौन कौन से राउंड्स होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में आज हम ज़रूर बात करेंगे। आपको आज मैं एक आपको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, अगर आप अभी तक अगर ये मेरा चैनल एकेडमिक यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे भी इसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये मेरा एकेडमिक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एकेडमिक इनसाइट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहेंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम देखेंगे इंटरव्यू क्या होता है। उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में वीडियो आपको शेयर करना है आपको दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे आपकी कमेंट लिखना है, ताकि हम और बेहतर वीडियोस बना सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं कॉरपोरेट इंटरव्यूज़ में क्या होता है, कॉरपोरेट इंटरव्यूज़ कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है, वहाँ पे कौन से राउंड्स होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो। आप सभी से और एक दरख्वास्त है, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल है कॉरपोरेट इंटरव्यूज़ के बारे में, वो उनके पूरे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ये इंटरव्यू। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई कॉरपोरेट इंटरव्यूज़ देते हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए, तो वहाँ पे जो पहला राउंड होता है वो ग्रुप डिस्कशन का राउंड होता है। तो क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में जीडी, और जीडी राउंड में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन राउंड में क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आए हुए होते हैं, जैसे अगर इंटरव्यू कैंपस में हो रहा है, ऑफ कैंपस में हो रहा है, जितने भी लोग वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए होते हैं, उनको एक रूम में बिठाया जाता है, और उसके बाद बिठाने के बाद उनमें ग्रुप बनाए जाते हैं, जैसे कि 5-5 लोगों की ग्रुप, 10-10 लोगों की ग्रुप, नंबर के हिसाब से ज़्यादा 5 लोग एक ग्रुप में लिए जाते हैं, और उनमें ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है, एक कोई भी टॉपिक जिसको हम लेटेस्ट टॉपिक बोल सकते हैं, करंट टॉपिक बोल सकते हैं, उनको दिया जाता है और उस पर हर एक को बोलना होता है। तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है कि हर एक मेंबर, जो भी लोग उस ग्रुप में हैं, सपोज 5 लोग उस ग्रुप में हैं, तो 5 लोगों को उस टॉपिक पे 1 by 1 बोलना होता है। जैसे हम देखते हैं डिबेट अलग है, ग्रुप डिस्कशन अलग है। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, पहला एक बंदा जो शुरू करेगा, आखिरी बंदा एंड करेगा। मगर ग्रुप डिस्कशन में एक बात आपको ज़रूरी याद रखना है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको बोलना ही बोलना है। अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर आप दिए हुए टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, तो आप पहले ही राउंड में बाहर हो जाओगे। तो जो भी ग्रुप डिस्कशन होगा, जितने भी लोग होंगे वहाँ पे, उनको बात करना है।
तो ग्रुप डिस्कशन में वो क्या देखना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन में कॉर्पोरेट कंपनीज के जो भी रिक्रूटर्स आते हैं, रिक्रूट करने के लिए पैनल मेंबर आते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो या नहीं। अगर आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है तो उस पर आपको बात करना आना चाहिए। अगर आप बात नहीं करोगे, चुपचाप बैठोगे, तो आप पहले ही राउंड में बाहर हो जाओगे। वहाँ पे चार राउंड होते हैं, उसमें से हम देख रहे हैं पहला राउंड, जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो ये एक बात आपको याद रखना है, ग्रुप डिस्कशन राउंड में आपको बात करना ही करना है, और वो भी रिलेवेंट बात करना है। अगर आप बात नहीं करोगे तो पहले ही राउंड में आप बाहर हो जाओगे, याद रखिएगा। जब दूसरा राउंड होता है उसको बोलते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप पहला राउंड क्लियर करते हो, जिसको हम जीडी बोलते हैं, अगर हम जीडी क्लियर करेंगे तो सेकेंड राउंड में आपको एंट्री मिल सकती है, जिसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट और एटी। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है। इस एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये नॉर्मल टेस्ट होता है जिसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, मगर ये टेस्ट आपको क्लियर करना ज़रूरी है। इस टेस्ट में जैसे कि मैंने बोला, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल यू नो टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, कुछ जीके के क्वेश्चंस होंगे, कुछ कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इस एप्टीट्यूड टेस्ट में होता है, और इस एप्टीट्यूड टेस्ट के दौरान वो आपका एप्टीट्यूड, आपका जीके, आपका इंटेलेक्चुअल टेस्ट करते हैं। आपका जो भी इंटेलेक्ट है वहाँ पे टेस्ट किया जाता है बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। रीजनिंग आपका चेक किया जाएगा, लॉजिक आपका चेक किया जाएगा, और इस टेस्ट को आपको क्लियर करना है। ये है सेकेंड राउंड। तो पहले राउंड में है जीडी, दूसरे राउंड में है एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करते हो वन बाय स्टेप बाय स्टेप, अगर आप जीडी क्लियर करते हो तो आपको सेकेंड राउंड में एंट्री मिलेगी, जिसके लिए आपको बोला जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप क्लियर करते हो तो आपका तीसरा राउंड होगा एचआर मैनेजर राउंड। वहाँ पे एक एचआर मैनेजर भी पैनल में होता है, जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। वो एचआर मैनेजर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लेगा, और आपका सिलेक्शन लास्ट राउंड के लिए किया जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे चार राउंड में ये कॉरपोरेट सेक्टर का इंटरव्यू होता है। पहला राउंड जो हमने देखा जीडी का, दूसरा राउंड हमने देखा एप्टीट्यूड टेस्ट का, और हम अभी तीसरे राउंड में आए हैं, जिसको हम बोलते हैं एचआर मैनेजर राउंड। तो ये जो एचआर मैनेजर वो पैनल के साथ आया हुआ होता है, वो आपका इंटरव्यू लेता है फेस टू फेस। यहाँ पे क्या पूछा जाता है, यहाँ पे कौन से सवाल होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपके स्पेशलाइजेशन के बारे में सवाल होंगे, आपके जॉब के बारे में सवाल होंगे, आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सवाल होंगे, और सभी सवाल आपको यहाँ पे उनके जवाब देना है। साथ ही में आपके जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में सवाल होंगे, आपका जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में यहाँ पे सवाल होंगे। सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, और इस राउंड को बोला जाएगा एचआर मैनेजर राउंड। अगर आप एचआर मैनेजर राउंड क्लियर करते हो तो जो भी एचआर मैनेजर आपका इंटरव्यू लेता है वो आपका सिलेक्शन कर देगा। ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इसके बाद और एक राउंड है जिसको हम बोलते हैं टेलीफोनिक राउंड। एचआर मैनेजर एक लिस्ट बनाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट की, और वो उनके ऑफिस भेजेगा, जहाँ पे भी उनका ऑफिस होगा। तो उसके बाद एचआर मैनेजर राउंड के बाद और एक राउंड होगा, जिसको हम बोलते हैं चौथा राउंड, और वो राउंड होता है टेलीफोनिक राउंड। जहाँ पे भी अगर वो कंपनी आपके कॉलेज में विजिट कर रही है, आपके यू नो इंस्टीट्यूशन में विजिट कर रही है, और वहाँ पे सिलेक्शन, तीन राउंड वहाँ पे होंगे, जैसा जीडी, एप्टीट्यूड टेस्ट और एचआर राउंड, उसके बाद टेलीफोनिक राउंड। वहाँ पे आपको टेलीफोन पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, आपके कॉलेज से, आपके इंस्टीट्यूशन से टेलीफोनिक थ्रू टेलीफोन इंटरव्यू होगा, उसको बोलते हैं हम टेलीफोनिक राउंड। एक उस कंपनी जहाँ पे भी हेडक्वार्टर है कंपनी, फॉर एग्जांपल कंपनी का हेडक्वार्टर हम बोलेंगे मुंबई में है, तो मुंबई से आपका कॉल कनेक्ट किया जाएगा, और मुंबई से एक जो भी वहाँ पे मैनेजर है, एचआर मैनेजर है जो वहाँ पे बैठा हुआ है, होता है वो आपका टेलीफोन से इंटरव्यू लेगा, और कुछ अलग सवाल पूछेगा जो एचआर मैनेजर्स ने नहीं पूछे थे, और उसके थ्रू टेलीफोन थ्रू आपको इंटरव्यू देना है।
अगर वो राउंड आप क्लियर करते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार ये टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर होगा। क्या पूछा जाता है टेलीफोनिक राउंड में वो आपको मैं बताता हूँ। टेलीफोनिक राउंड में बेसिकली आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में, आपका फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा जाएगा। तो कभी भी आप जब टेलीफोनिक राउंड में आंसर्स देते हो तो अगर वो पूछते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो आपको सिर्फ बोलना है मुझे नौकरी ही करनी है और जॉब में ही प्रोग्रेस करना है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है, वो करना है, तो थोड़ा सा सिलेक्शन में दिक्कत आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि कंपनियों को काम करने वाले लोग होने होते हैं, उनको कंपनी में काम करने वाले लोग उनको रिक्रूट करना होता है। अगर आप जॉब करोगे तो इन बिटवीन ब्रेक मिलेगा, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, कंपनी का लॉस हो जाएगा। इसलिए कंपनियां जो जॉब में प्रोग्रेस करना चाहते हैं उनको ही प्रेफरेंस देते हैं। तो ये होता है टेलीफोनिक राउंड जो आपको क्लियर करना है। तो इस प्रकार से चार राउंड कॉरपोरेट इंटरव्यूज़ में, जैसे कि मैंने बोला, आजकल जो भी आईटी कंपनीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज आती हैं, उनके लिए चार राउंड लिए जाते हैं और ये चार राउंड के थ्रू आपका कंपनी में जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाता है। तो ये हैं चार राउंड और इस प्रकार से किया जाता है कॉरपोरेट इंटरव्यू और इस प्रकार से लिया जाता है कॉरपोरेट इंटरव्यू जो आपको देना है। मुझे लगता है कॉरपोरेट इंटरव्यू के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने वो आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में देने का ट्राई किया है। इसके बारे में बहुत सारा हम बोल सकते हैं मगर टाइम के हिसाब से मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बोला है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों में, रिलेटिव्स में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और बहुत बड़ी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है, जहाँ पे ये कमेंट बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको कमेंट लिखना है ताकि हम इस प्रकार के वीडियोस को और भी बेहतर बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे और एक नया सब्जेक्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।